राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार को 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है। अब इसके बाद दूसरी लिस्ट का इंतजार है। वहीं कांग्रेस की पहली सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में संकेत दिए कि 18 अक्टूबर को आसपास टिकट फाइनल हो सकते हैं। विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की ओर से नई सहेगा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले अभियान में भाजपा ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था, जिस पर कि एक किसान का फोटो लगाया गया। बता दें कि किसान मधुराम का कहना है कि उसकी बिना इजाजत के उसका फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है। किसान का ये कहना है कि उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही कोई उसकी जमीन नीलाम हुई है। वह 200 बीघा जमीन का मालिक है। अब सोमवार को रामदेवरा की रिखियों की ढाणी के रहने वाले किसान मधुराम ने रामदेवरा थाना में बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। इसराइल हमास जंग का आज पांचवा दिन है। रात भर में इसराइल ने गाजा में हमास के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसराइल और हमास की जंग में अब तक 2100 लोगों की मौत हुई है, जिसमें करीब 1200 इसराइली है। अब तक करीब 900 फिलिस्तीनियों ने भी जान गंवाई है।